कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंतर्गत टेक्सुअल पार्ट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और इसको लिखा किसने है? लिखा भी एन फ्रैंक ने है। एन फ्रैंक एक ये 13 वर्षीय लड़की की डायरी के बारे में लिखा है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में से एक थी। इसके बारे में हम जानेंगे, तो आगे हम पहले इसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। एनालीज मैरी एने फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी और मार्च इन 1945 वाज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट While in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. अब यहाँ पर इस बच्ची का नाम दिया है एनलीज मैरी, एंड इसको शॉर्ट में एन फ्रैंक बोला गया, जिसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में, और इसकी जो डेथ हुई थी मार्च, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 1945 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक ज्यूइश गर्ल थी, एक यहूदी लड़की थी, और जिसने ये छुप करके ये डायरी लिखी थी, और उसने बहुत सारा समय अपने परिवार के साथ और अपने चार दोस्तों के साथ रह करके नीदरलैंड में काटा था। ये वो समय था जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब जबकि यहूदियों पे नाजियों का कब्जा हो गया, नाजी लोगों ने उस स्थान पर एम्स्टर्डम पर अपना कब्जा कर लिया, तब इनकी जो फैमिली थी, उनके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, के ऑफिस बिल्डिंग में लोग जाकर के वहां छुपकर रहने लगे थे। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वर एनी डाइड बाय टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। अब यहाँ पर तो पिता ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहां जाकर ये छुप कर रहे, लेकिन 2 साल अज्ञातवास काटने के बाद इनका जो के वहां चला गया यातना रहे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन लोगों को भेज दिया गया, जहां एनी को टाइफस हो गया और वो 1945 में उसकी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड to find that her diary had been saved. Since that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. अब जब वहां पर कॉन्सेंट्रेशन सेल में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या हुआ कि वहां पर उसकी बहन एन फ्रैंक खुद और उसकी फैमिली के बहुत सारे लोग मर गए यातनाओं के कारण, और एन फ्रैंक को टाइफस हो गया था, लेकिन उस बीच में उसके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक वो जीवित रहे और वो किसी तरह वहां से सरवाइव करके एम्स्टर्डम वापस आए। जब वो अपने घर वापस आए तो उनको एन फ्रैंक की लिखी हुई क्या प्राप्त हुई? डायरी प्राप्त हुई। जब उन्होंने उसको पढ़ा तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बढ़िया कलेक्शन था, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड एन फ्रैंक ने उसमें लिखा हुआ था। उसके कारण उसके पिता ने मेहनत की और उनके प्रयासों से ये इंग्लिश में पब्लिश हुई और इस डायरी का नाम बड़ा द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में आता है बच्चों। तो एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो किस नाम से पब्लिश हुई? तो उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखते हैं आगे। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिक द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 Until entry of 1st August 1944. ये जो डायरी थी ये एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट के रूप में मिली हुई थी, और यहाँ पर एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लिखना चालू किया और लास्ट उसने उसको कहाँ लिखा?
1944 तक. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. और ये विश्व की कई बार, वैसे तो ये ओरिजिनल रूप से डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके लिखा गया और उसके बाद से ये वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई. There have also been several films, televisions and theatrical production and even an opera based on the diary. अब इस डायरी के बेस पर बहुत सारे कथानक चित्रित हुए, उसमें से जैसे बहुत सारे फिल्मों का निर्माण हुआ, टेलीविजन पर उसके शोज आए, थिएटर में प्रोडक्शन हुए, इस प्रकार ओपेरा हुआ, इस प्रकार से बहुत सारे जो है इस डायरी बेस्ड हुई. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an in-depth examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. अब उस समय क्या हुआ कि इस अपनी डायरी में एन फ्रेंक ने उस समय की पूरी घटनाओं का वर्णन किया है, किस प्रकार से नाजी लोगों ने ऑक्यूपाइड किया, किस प्रकार से उन्होंने मतलब लोगों को किस प्रकार प्रताड़ित किया, कैसे वर्ल्ड वार सेकंड में कौन कौन से मानवीय जीवन के परिदृश्य थे जो कि एन फ्रेंक ने अपनी इस डायरी में वर्णित किए हैं. देखते हैं एन फ्रेंक की. राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. Only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. अब यहाँ पर एन फ्रेंक का डायरी राइटिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि डायरी राइटिंग क्या है. डायरी राइटिंग भी एक लेखन की कला के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अपने रोज के घटित होने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहते हैं डेली लाइफ के, या किसी पर्सनल इवेंट्स के बारे में, या किसी बहुत ही हमारे अंदर जो इमोशनल टच हो जिसको हम बहुधा व्यक्त कर पाते, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी डायरी में लिखते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छी विधा है लेखन कला की. उसके अंतर्गत एन फ्रेंक जब लिखना स्टार्ट कर रही है तो कह रही है, इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. अर्थात डायरी लिखना एक बहुत एक अजीब टाइप का अनुभव रहता है लोगों के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई एम नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल. म्यूजिंग का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट. यहाँ पर एन बोल रही है कि सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरी लिखना बहुत अजीब है या मैंने इसके पहले कभी लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि कोई भी मुझ जैसे 13 वर्ष की बालिका की स्कूल जाने वाली लड़की की डायरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट क्यों रखेगा, इसलिए डायरी राइटिंग मुझे बहुत अजीब लग रहा. अच्छा, ये कोई मैटर नहीं करता, मैं तो चाहती हूँ लिखना और मेरे पास बहुत ज्यादा आवश्यकता है. ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है शेयर थिंग टू समवन, क्योंकि एन की कोई ज्यादा बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं रहती, तो वो चाहती है कि उसकी जो भी पर्सनल इमोशन है या जो पर्सनल बातें हैं वो किसी से शेयर कर सके, तो इसलिए वो चाहती है कि वो डायरी राइटिंग करे. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. यहाँ पर एन बोलती है कि पेपर जो कागज होता है उसमें ज्यादा धैर्य होता है बजाय कि लोगों के, मतलब लोग इतने धैर्यवान नहीं होते जितना ज्यादा कागज होता है. क्यों? क्योंकि कागज में आप कभी भी जब चाहे जैसा लिख सकते हो. I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि उन दिनों में जब मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड, उदास थी और
अपने हाथों में निश्चिन्न, यानी ऐसे थोड़ी को ऐसे लगा करके बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था। और मैं यहाँ वहां सोच रही थी, घूम रही थी बिना उद्देश्य के कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रेजुअली रिफर टू एज अ डायरी। अब यहाँ क्या कह रही कि मुझने फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूंगी, और मैं बहुत ज्यादा विचारों में भरी हुई थी, और मैंने सोचा हाँ जो पेपर है उसमें ज्यादा धैर्य है, इसलिए मैंने लिखा कि मैं यहाँ वहां जाने के बजाय, कुछ और करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं एक जो स्टिप बैग यानी कि एक जो जिल्द चढ़ी हुई जो नोटबुक है जिसको डायरी कह रहे हैं उसको मैं लिखना स्टार्ट करूं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। वैसे तो एन के बहुत फ्रेंड थे एन फ्रेंक के, लेकिन उसके पास कोई सच्चा दोस्त उसको नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट वॉक डिफरेंसेस, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं डायरी राइटिंग से ही अपने डायरी को ही अपना एक दोस्त बना के रखती हूँ। अर्थात यहाँ पे एन फ्रेंक कह रही है कि डायरी लिखना एक बहुत अजीब लग रहा शुरू में, मुझ जैसे 13 वर्ष की लड़की की लिखी हुई डायरी कौन पढ़ना चाहेगा, लेकिन जो पेपर होते हैं उसमें बहुत धैर्य होता है, इसलिए मैं सारी भावनाएं इसमें व्यक्त करना चाहूंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो क्या बोल रही कि चलो अब मैं अपने असली बात पर आती हूँ कि क्या कि मेरे पास कोई दोस्त सच्चा दोस्त नहीं है। Let me put clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, मुझे ये सब चीजें क्लियर कर देना चाहिए कि कोई भी नहीं सोचेगा कि जो 13 साल की लड़की है उसका कोई भी दोस्त नहीं है या वो दुनिया में पूरी तरह अकेली है। एन फ्रैंक को लगता था कि वो अपनी भावनाएं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने आप को इस पूरी दुनिया में अकेला मानती थी। तो वो ये भी कहती है इसके कंट्रोवर्सी में कि ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली हो, और जो मैं अकेले भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं, और 16 साल की मेरी बहन भी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और मेरे 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त बुलाती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास मेरा परिवार है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मुझे प्यार करने वाले मेरे आंट्स हैं, और एक मेरे पास अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड। अगर मैं सतही तौर पे बात करूं तो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है, एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग। इसके बाद वो ये भी कह रही है कि मैं सोचती हूँ मेरे पास दोस्त हैं, मैं अपने उन दोस्तों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन इसके बाद में उनके साथ में ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग करती हूँ, मतलब जो जनरली गेम्स है, खेलना है, बहुत सारी मस्ती करना, वो सब करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज है, कोई मेरा बहुत सच्चा है, और यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मतलब देखिए, 13 वर्ष की एक बच्ची है, बच्चा है, उसके पास उसके पेरेंट्स हैं, उसको हर चीज ला के दे रहे हैं, दुनिया का सुख दे रहे हैं, उसके पास दोस्त भी है जिनके साथ वो खेल रही है, उनके साथ वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई बहुत क्लोजर या कोई बहुत सच्चा दोस्त नहीं है, और यही एन फ्रेंक की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई वाज एनी फ्रेंड फील अलोन, उसके ऑप्शन दिए रहेंगे तो तुम लोग को लिखना रहेगा कि शी डोंट हैव एनी क्लोजर या एनी ट्रू फ्रेंड। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर।
अब इसके बाद एन फ्रैंक ये भी बोल रही है कि हो सकता है कि ये मेरी ही कोई गलती हो सकता है कि मैं इतने सारे लोगों में से किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं शेयर कर पा रही हूँ, हो सकता है ये मेरी गलती है, हो सकता है मैं ही कोई एक अच्छा सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ पा रही हूँ इतने सारे लोगों में, मैं उनसे अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर पा रही। शेयर द मीन ऑफ कन्फाइड इज टू शेयर सीक्रेट विद समवन। तो यहाँ पर एन फ्रैंक ने बिल्कुल क्लियर किया कि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है, यद्यपि वो बहुत सारे घिरी हुई है। नेक्स्ट देखें, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लिएबल टू चेंज, दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड द डायरी टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब यहाँ कहती, चाहे जो हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अनलकीली मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है तो नहीं है, लेकिन तभी मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टेड द डायरी, मैं डायरी लिखना चालू कर रही हूँ। और मेरी एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि मुझे ऐसा कुछ इनिशिएटिव मिले, मेरी इमेजिनेशन में आए, इस कारण से मैं डायरी में लिखना चाहती हूँ। मेरे लिए डायरी लेखन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोई फैक्ट उठा के लिख दिए कि इस डेट से इस डेट तक मैंने, नहीं, मैं इसको एज ए फ्रेंड बुलाती हूँ और मैंने इसलिए अपनी फ्रेंड का नाम लिखा है, रखा है किटी। तो एन फ्रेंक की जो फ्रेंड हुई वो हो गई किटी, और किटी वास्तव में कहती है डायरी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किटी कौन थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एन फ्रैंक की डायरी थी जो उसकी दोस्त थी। तो बच्चों यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।